थोड़ा सा कितना देखे थोड़े की परिभाषा क्या देखते हैं बार बार शाम को पास तो देखो भैया थोड़े की परिभाषा देखते हैं क्या पेपर है भाई ये क्या है हल्दी एक किलो हल्दी ये थोड़ा होता है पीपे में क्या है ये दाल पड़ी है 10 किलो के करीब 5 से ज्यादा ये भी थोड़ा है ये क्या है ये आटा पड़ा है पूरा ये भी दाल पड़ी है ये चने ये प्याज पड़े हैं ये दाल खरीदूंगा इसमें क्या है ये पूरा भरा पड़ा क्या है इसमें खोला देखो क्या है इसमें टेढ़ा कर सुनो क्या है इसमें खांड देखो सर ये 15 किलो चीनी पड़ी है 20 किलो ये डक एक मिनट रिकॉर्डिंग अरे वाइट इधर कर ये 20 किलो चीनी पड़ी आपके घर में अकेले ये 20 से भी ज्यादा है अभी थोड़ा है ये आधा ड्रम ये पीछे क्या दाला सर दाला ये तो एक राशन की दुकान से भी ज्यादा सामान पड़ा है बहन जी आपके घर में और आप कह रहे हो थोड़ा है ये 2 पैकेट 3 पैकेट नमक के पड़े हैं ये कितना है सरसों का तेल पूरा डब्बा पूरा पड़ेगा 15-15 30 लीटर सरसों का तेल पड़ा आपके घर में थल्ले देखो जी पीपे थल्ले पड़े जी ओ आलू ये एक तेल का डब्बा और पड़ा है 45 लीटर अंडी खाली सिलेंडर चावल 45 ये आटा इधर आटा ये भी पड़ा है पूरा गुत्थी हां देखो जी क्यों मार ये नहीं जान रहे जा ये चीनी और पड़ी है ये सामान ही बड़ा पे आ जाओ ना 50 किलो चीनी पड़ी आपके घर में इतने 50 लीटर तेल पड़ा है आप थोड़ा सा बोल रहे हैं इसको 50 लीटर सरसों का तेल पड़ा आपके घर में 3 बंदे हो आप 2 बंदे बैठे हो 5 बंदे हो गए 4 बंदे तो 50 लीटर को सरसों का तेल पड़ा तो साल का राशन पड़ा आपके घर में चलो कोरोना वायरस के खतरे में देखते हुए पंजाब दे विच निरंतर जरा कर्फ्यू लगाया गया लॉकडाउन किया गया है तो अगर देखा जाए तो ज़्यादातर देखने को मिल रहा है कि हाहाकार मची हुई है कि साढ़े घर राशन नहीं है सानू राशन पहुँचाया जाए असी गल करना चाहेंगे तरन तारण के SDM रजनीश अरोड़ा जो कि दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं ये वो ऑफिसर हैं जिन्होंने हर एक वेले दिन नहीं वेख्या रात नहीं वेख्या तो पूरी मेहनत और दिल के नाल जरा काम कर रहे हैं पर जिहड़े लोग झूठ तो फरेब भी बोल रहे हैं कि साढ़े घर राशन नहीं है असी गलबात करना जावे SDM रजनीश अरोड़ा जी ने कि जो बीते दिन वेखन में मिलया है कि लोगों के घर राशन हैगा सी तो क्यों इस तरह की मंग की जा रही है हाँ जी मैनू ना माननीय पंजाब सरकार आदेश अनुसार असी हर उस घर राशन पहुँचाना वे जिहदे घर राशन नहीं है जिहड़ा बंदा दिहाड़ीदार बंदा वे जिहड़ा दिहाड़ी नहीं कर पा रहा तो उन्हूं राशन के खाण पीन की समस्या आ रही वे माननीय DC साहब के आदेशों अनुसार असी जिहड़ी भी कोई कॉल आती है कंट्रोल रूम बनाए स्ट्रोंग रूम बनाया इत्थे कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं जिहड़ी भी कोई कॉल इन्हूं अटेंड किया जाता तो उन्हूं जे किसी राशन या दुध या होर कोई जरूरी पदार्थों की लोड़ होंदी है तो असी घर घर जाकर डिलीवरी करा रहे हैं इस लड़ी के एक कंप्लेंट माननीय CM साहब नूं गई सी भी जिहड़े हैगे आ लैपरेसी कलोनी है उत्थे जिहड़ा हैगा ना लोकी भुखे मर रहे हैं तो जो ये कंप्लेंट मेरे तक आई तो मैं जिहड़ा कुछ अपनी बोरियां आटे दी अपनी गड्डी च रखी तो मैं आप ही उत्थे ना आटा सप्लाई करन चला गया मैं चलो इसे बहाने एक लैपरेसी कलोनी एक पुन का काम हो जाएगा मैं जो आटा उत्थे दे लगा फिर मैं एक दिमाग चाहिए मैं क्यों ना इन्हां नूं वेख लिया जाए वैदर इन्हां दे आटा है कि नहीं हैगा और जो मैं इन्हां दे घर जाके किचन च आप गया मैं आटा सप्लाई करन लई गया तो मैं तुसीं हैरान रह जाओगे जो पोजिशन मेरे ध्यान च आई है मैं तुहानूं दिखाना चाहुंदा वां ये घर दे विच लगभग 15 लीटर सरसों दा 45 लीटर सरसों दा तेल 3 पीपे सील्ड 20-25 किलो चीनी 1.5 किलो हल्दी 30-40 किलो आटा तो N नंबर ऑफ दाल चावल 2 ड्रम भरे हुए मतलब जे एक 4 बंद परिवार को कई मनीए तो साल का राशन एक घर से और एक घर की पोजिशन सी सारी कलोनी लैपरेसी कलोनी की यह हालत सी सारे को ही इन्ना इन्ना राशन से किसी को इन्ना सी किसी को थोड़ा घट से किसी को थोड़ा वध सी दैन मैं इन्होंने उत्थे राशन नहीं दिता तो माननीय CM साहब जी रिपोर्ट बना के भेज दी भी इन्हों को साल तक का राशन है इस करके इन्हों कोई राशन एक्सट्रा देने की लड़ नहीं असी यही राशन उन्होंने परिवारों तक पहुँचाइए जिन्होंने एक्चुअली इसकी लड़ है दैन मैं गुरु का खूह एक महला बड़ा गरीब महला मैं उत्थे जाके अनाउंसमेंट
कराई। हाँ भी जिस किसी को भी आटा की लोड़ है या कोई राशन की लोड़ है तो मैं आके मिले, मैं उन्हें राशन देवांगा। 10-12 परिवार उत्थे मेरे को आ गए और जो मैं कहा जी हाँ जी मैं किचन वेख के राशन सप्लाई करांगा तो यकीन मन्ने सिर्फ मेरे को 2 परिवार उत्थे रह गए। तो 2-3 परिवारों के विचों भी जो मैं घर गया, एक परिवार के घर में आटा पिया, मैं उन्होंने मना करता आटा उदो मिलेगा जो खत्म हो जाएगा, असं रोज़ आवेंगे तुहाडे कोल। तो कुछ सारे मतलब 5-7 गलियां घूमन तो बाद मैं सिर्फ 11 परिवार इदा ने मिले जिन्होंने आटे की लोड़ सी, तो मैं 11 घर 10-10 किलो आटा दे के आया वहाँ। ये एक्चुअल पोजिशन है। प्लीज़ लोगों को बेनती है कि हाहाकार ना मचाओ, जिदे घर आटा वे होर डिमांड करता उन्होंने होर दिता जाए और स्टोर की तकरी जा रहा वे, असी उन्हां कोलों लोगों को राशन पहुँचाना भी जिहड़े बेचारे दिहाड़ीदार राशन नहीं पार जा रहा, जिन्हां को पैसे नहीं है। सो सरकार दे नाल मोढ़े ना मोढ़ा ना के चलो, सोशल डिस्टेंस मेनटेन करो, उन्हां घरां दे विच राशन पहुँचाने लई साडा सहयोग दिओ, सानूं कॉल करो जिन्हां घरां दे विच एक्चुअली चूल्हा बंद पिया होवे। धन्यवाद। सर जो लैपरसली जिहड़ी कलोनी हैगी आ पर जिन्होंने सीएम नूं शिकायत कर दित्ती गई, मतलब कि जो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए सी क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्हें इन्ना राशन साल एक भर वह खा सकते हैं कि ये तुहानूं की लगता कि जिहड़े दूसरे आ उन्होंने की तुम कहना चाहते कि जबरदस्ती चीज़ों मंगया जा रहा वा, तो इन वास्ते की अपील की अगाह करना चाहते जी? है ये खाली लैपरसी कलोनी की हालत नहीं की, डे आफ्टर मतलब एक दिन पहलों ही मैं कलोनी जाके आ मुरादपुरा महला, उत्थे भी एक मैं तुम छोटा जहा इंसीडेंट दसना चाहता, लोगों ने की किया कहने सर सानू ना MLA साहब वालों कल इतने रोटियां पका के प्रोवाइड कराए गए सन, पर फायदा रोटी कच्ची सी, तो दोबारा मैं अपना चूल्हा जला के आटा गुन के तो मैं दोबारा अपनी रोटी बनानी पई। तो मैं उन्होंने सारी सोसायटी जो 15-20-25 बंदे खड़े सन उन्होंने सारे उन्होंने शेम किया, मैं हाथ शर्म आनी चाहिए तुम्हें, यदा मतलब तेरे अपने घर से आटा सीगा उसके बावजूद तू फ्री रोटी लई, तो जे तैनू फ्री रोटी ला ही ली तू उन्हें सेक तो खास करा सी, लोगों तो रोटी ये प्रॉब्लम आ रही भी रोटी मिल जाए तुम्हें मिली, तेरे को अपने घर आटा भी सीगा, दैन वो बंदा उतो हर एक अद्धा मिनट भज गया तो लोगों ने उन्होंने बड़ी फटकार लगाई। सो इस तरह के केस भी साढ़े सामने आ रहे हैं, असं हर डोर टू डोर जाके सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्री भी दे रहे हैं, सरकार वाले जी मदद ने वो भी वंड रहे हैं, प्लस पेड सर्विस तो अं दे ही रहे हैं, पेड सर्विस तो कोई निर्विघन सप्लाई चल रही है, सारे रेट अंडर कंट्रोल ने, 30 रुपये किलो असी प्याज दे रहे हैं, 20 रुपये किलो असी आलू दे रहे हैं, परसों टमाटर 30 रुपए से अच्छ 40 रुपए किलो दे रहे हैं, इन्होंने सप्लाई पर डिपेंड करा किसी वे रेट मंडी के घट बढ़ जाते हैं, 30 रुपए किलो असी मटर दे रहे हैं, हर चीज़ अंडर कंट्रोल हैगी है, मतलब ऐसी कोई ऐसी गल नहीं जी साड़ी चीज़ जी सप्लाई असी साड़ी ना चल रही हो। सो ये सन रजनीश अरोड़ा जी SDM तरन तारण जो कि पूरी दिन रात मेहनत एक करके जोड़ा कि राशन लोगों के घर घर जाके दिता जा रहा है उन्होंने, कि जेडे बिल्कुल ही गरीब हैं, रिक्शे वाले हैं, दिहाड़ीदार हैं, तो उन्होंने ही दिता जा रहा है। दूसरों अपील की गई है जिन्हों को राशन हैगा वा वो बिल्कुल इस तरह ना कर, क्योंकि जेडे गरीब लोड़ है, लोड़वंद है, उसको चीज़ मिले, अपने घर जो स्टोर किया जा रहा है वह बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो भुखा पैसा है उसनों ही जिहड़ा ये राशन मिलना चाहिए है, पर जिहड़े लोग इस चीज़ में लैके जमा कर रहे हैं, अगर लैपरस कलोनी की गल की जाए तो उन्होंने जिहड़ा कि CM शिकायत करके जो देखिया तो जो उन्होंने करतूत पाई गई उसनों लैके बहुत ही शर्मनाक चीज़ जिहड़ी है सामने देखने मिली है। असी गल करना जिवें कि SDM साहब ने दसिया कि दूजे लोग जिहड़े लोड़वंद हैं उन्होंने बिल्कुल लोड़ पूरी की जाएगी, घर घर राशन दिता जाएगा, घबराने की किसी तरह की कोई जरूरत नहीं, कोई भुखा नहीं सौं दिता जाएगा। कैमरामैन परसन VK भार्गव के नाल रिपोर्टर VJ कुमार, जगबानी TV, तरन तारण।